तो ऊबर ड्राइवर आईडी ब्लॉक जो है बहुत सारे लोगों का होता है, और लोगों के पास जितना क्षमता होती है ऑफिस जाते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, अपने दोस्तार जो भी ऊबर में काम करते हैं ड्राइवर के रूप में उन्हें कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन सारे जो सॉल्यूशन है जितना भी उनके अंदर क्षमता होती है वो करके बैठ जाते हैं, फिर भी आईडी जो है चालू नहीं होता है ऊबर का। और ये जो है सिर्फ कैब ड्राइवर नहीं, कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और बाइक ड्राइवर का सबका ये प्रोसेस है कि आईडी अगर ब्लॉक हो गया तो कस्टमर केयर, ऑफिस, सब जगह अपना दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन आईडी जो है चालू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और कैसे होगा, ठीक है, चलिए इसके बारे में जो है डिटेल में बात करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। और मैं अभी आ रखा हूँ भाई, मैं ऊबर में ही, मैंने ऊबर रैपिडो ओला जो है काम कर रहा था, तो ऑर्डर नहीं बढ़ रहा था। मैं सोचा चलो पार्क में बैठते हैं, जब पार्क में बैठने आया तो फिर सोचा इतना अच्छा जगह है, चलो वीडियो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईडी जो है ब्लॉक क्यों होता है, क्योंकि आईडी जो ब्लॉक होने का रीज़न है, कितने बार क्या होता है कि आप आईडी मैंने डॉक्यूमेंट जैसे ही डालते हैं आपकी आईडी मैंने चालू होने से पहले ही बंद हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है। कितना होता है कि भाई काम करते करते हमारा कोई कंप्लेन नहीं गया फिर भी आईडी ब्लॉक हो गई, क्या रीज़न है हमें एक बार बताना तो चाहिए, हुआ क्यों है। क्योंकि आप अगर कोई भी कस्टमर केयर से बात कीजिएगा, कोई भी दोस्त से बात कीजिएगा तो ये बोले यार हमारा आईडी ब्लॉक हुआ तो हुआ कैसे, हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, है ना, हम कुछ गलती नहीं किए फिर भी आईडी ब्लॉक हो गया, चलिए हो गई। और कितना होता है कि काम करते करते कुछ कस्टमर से जो है बदतमीजी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दिन भर फील्ड में काम करते हैं ना, हम भी काम करते हैं दिन भर फील्ड में, तो कभी गलत लोकेशन आ गया तो कभी भैया यहाँ से टर्न होकर के आइए, हैं, तो ये सब में क्या होता है ना कि दिमाग जो है हल्का सा ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो हो जाती है कभी कभी कस्टमर से। लेकिन ये चीज़ पर ध्यान रखा कीजिएगा, आप दिन भर काम करते हैं, प्रत्येक कस्टमर पता नहीं कैसे कैसे मिल रहा है, तो आप अपने आप को शांत रखिए ताकि आपका दिन सही जाए। क्योंकि हम भी काम करते हैं ना, मुझे पता है कि भाई कभी बोलेगा छत पे आ जाओ, हैं, कभी बोलेगा भैया 1 किलोमीटर इधर से घूम के आ जाओ, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन शांत रखो, ठीक रहोगे आप। चलो ये हो गई ब्लॉक, लेकिन कंपनी जो है कोई रीज़न आपको नहीं बताएगी, समझ गया। अगर जैसे किसी का आईडी अभी डॉक्यूमेंट हम डाले, आईडी बना भी नहीं और आईडी ब्लॉक हो गया, तो ये जो है अगर आपके नाम से पहले आईडी आपको पता भी नहीं कि हमारे नाम से आईडी बना हुआ है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट कहीं शेयर किए हैं तो शायद बना हुआ रहे, तो इस कारण दोबारा अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, डुप्लीकेट में काउंट हो जाएगा। कितने लोग क्या होता है कि ऊबर ड्राइवर में हम डॉक्यूमेंट फिल कर दिए और फिर जा कर के जो है कोई एजेंट से जो है हम आईडी बनाए, तो एक बार तो आप ऊबर ड्राइवर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिए, अब दोबारा फिर से अपलोड हो गया तो क्या होगा कि वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब आईडी बनने से पहले बंद हो गया, समझ गया ना। ये रीज़न होती है, कितना रीज़न होती है कि काम करते करते आईडी ब्लॉक हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम है आपको कोई नहीं बताएगा। कस्टमर से कॉल कीजिएगा तो बोलेगा हाँ सर 24 से 72 घंटे में आपकी आईडी चालू हो जाएगी, लेकिन होगा नहीं, समझ गया, हाँ बोल देगा पर होगा नहीं। आपको ऑफिस जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ऑफिस जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आईडी ब्लॉक, सीधी सी बात है, जो भी आईडी ब्लॉक हो गई आपका जो है गो के नीचे प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सपोर्ट या टैप टू वर्न ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है, या आईडी ब्लॉक लिखा हुआ आता है, ऐसे 3-4 ऑप्शन आते हैं, अगर ये सब सारे लिखा हुआ आ रहा है मतलब आईडी ब्लॉक है। हाँ एक चीज़ और है, आप इनबॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है, ऊबर ड्राइवर का, कि मैसेज कोई आया है अगर हमारा काम करते करते आईडी ब्लॉक हो गया है तो 3 से 4 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए जो है आईडी ब्लॉक हो जाता है, तो इनबॉक्स में मैसेज आ जाता है, समझ गए। अब अगर इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं आता, समझ लीजिए वो आईडी सदा के लिए बंद हो गया। अब आप सोचिए कि ये आईडी हमारा चालू हो जाए तो वो भूल जाइए आप कि वो आईडी आपका चालू होगा। अभी मैं ऊबर का आईडी चला रहा हूँ, ये देख लो शायद आपको शो कर रहा होगा, आईडी चालू भी है, अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा तो मैं चालू करके रख रखा हूँ। और ये जो है हमारा तीसरा आईडी है, पहला आईडी ब्लॉक हो गया, दूसरा भी हो गया, ये तीसरा आईडी चल रहा है, ठीक है। तो जो आईडी ब्लॉक हो गया वो भूल जाइए कि वो आईडी चालू होगा। तो अब भाई चालू कैसे होगा, है ना, ये आते हैं मेन पॉइंट कि भाई चालू कैसे होगा। चालू करने के लिए देखिए आपको ऑफिस से भी चालू ये नहीं होगा,
नहीं कस्टमर केयर चालू करके देगा। आप जो है ना सारा काम छोड़ के जो है आप जो है ऊबर में जो एजेंट है, जो वेंडर हैं, ठीक है, उनसे जाके मिलिए। और वो आपको कहाँ मिलेंगे, कोई भी आप जैसे कोई भी सिटी में आप रहते हैं, हैं, आप जो है पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या वेंडर वाले जो है ओला उबर का जो है ऑफिस छोटा छोटा बना कर रखते हैं, आप वहाँ भी जा कर के आईडी उनसे बोलिए कि सर मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है। सीधे बोले मेरा आईडी ब्लॉक हो गया, वो जो है बंदा 200 या 300 रुपये लेगा या कितने लोग जो है फ्री भी बना देते हैं, हैं। लेकिन ये नहीं कि आप दिए हैं और तुरंत आपकी आईडी, कम से कम 3 से 4 दिन में आईडी चालू आपका होगा। अब क्या है कि भाई वो कैसे बंदा चालू करेगा, वो देखिए उनकी उनका जो भी है उनका सिस्टम है। अब ऊबर धीरे धीरे इतना ज़्यादा अपडेट करते जा रहा है, इतना ज़्यादा अपडेट करते जा रहा है कि जो आईडी ब्लॉक हो गई उसमें बहुत तिगरम करने के बाद आईडी चालू होता है, ठीक है। तो आप सब अगर फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप सब ध्यान रखिए, कोई भी कस्टमर से बहस नहीं कीजिए, ठीक है। ऑटो वाले का क्या है, ऑटो वाले भैया तो ऑफलाइन भी काम कर लेंगे, जो कैब ड्राइवर हैं उनके लिए बस वही एक ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑर्डर आता है। जो बाइक में काम करते हैं, बाइक टैक्सी चलाते हैं, उनका भी भाई अगर एक भी जैसे आप, हाँ ये है कि ओला चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, ओला चला रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं, पोटो चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो थोड़ा थोड़ा होता होगा यार ऊबर का भी ऑर्डर आईडी रहता ना तो मज़ा आ जाता, साला कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है ना। तो आप सब अगर फील्ड में काम कर रहे हैं ना तो ये सब जो कंप्लेन, अगर एक भी कंप्लेन कस्टमर कर दिया ना, एक भी कंप्लेन कर दिया और वो कंपनी के नज़र में चला गया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक हो गई तो वो चालू भी ना होगी, समझ लिए। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखा कीजिएगा। तो आप जो है अपने कोई भी सिटी में वेंडर से मिलिए, उनसे बोलिए सर मेरा जो है आईडी ब्लॉक हो गया है, वो चालू कर देंगे। ऐसे जो कैब में ऑनर होता है, ऑनर की जल्दी आईडी ब्लॉक नहीं होता है, ड्राइवर का होता है, हाँ। तो ऑनर का अगर ब्लॉक हो गया तो किसी के भी नाम पे, आपके परिवार में किसी के भी नाम पे बन जाएगा, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन होता है ड्राइवर की आईडी, अगर वो ब्लॉक हो गया तो चालू करना हल्का मुश्किल हो जाता है। तो आप वेंडर से मिले, कुछ पैसे लेंगे, आईडी बन जाएगी, अभी जो चल रहा है हिसाब किताब अभी बन जाएगी, आगे पता नहीं कोई और है भी अपडेट आ जाते, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। आईडी बनाने के बाद जो है आपका, हमने अगर डॉक्यूमेंट आपका सारे लिया है तो 3 से 4 दिन का टाइम लेंगे वो, और आपको जो है बना कर दे देंगे। एक उपाय और है, आपको अगर कोई वेंडर नहीं मिल रहा है, हाँ, आप फील्ड में जो कैब ड्राइवर काम करते हैं उनसे मिले, भाई आप कहाँ से आईडी बनवाए हैं, खुद से बनाए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, उनसे कोई बात मत कीजिए। अगर बोलेगा भाई मैं इसका हेड ऑफिस में जाकर बनाया हूँ, हाँ, तो हेड ऑफिस में कभी आईडी नहीं बनता, उसके नीचे जो है ना वेंडर बैठे रहते हैं, वो बनाते हैं आईडी, हाँ, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। या छोटा मोटा जो ऑफिस खोल के रखते हैं या सीएनजी पंप पे जो काम करते हैं वेंडर साले जो भी है, लेकिन यह है कि सारे वेंडर आईडी नहीं बना के दे पाते हैं, कुछ कुछ बना भी देते हैं, मतलब 10 बंदे हैं तो 10 में से 2 बंदा जो है नहीं बना के दे पाएगा, लेकिन 8 जो वेंडर है वो बना करके आपको आईडी दे देगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आप उनसे जाके मिलिए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको जो है वीडियो काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक करना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।